तू आ भी गई ना चीरा बनाने के लिए। उफ, कब बुझेगी तेरी ये वाहवाही लौटने की प्यास? हाँ? लालची कहीं की? नहीं राशि बेन, ऐसा मत सोचिए। सोचना क्या है, इस घर में यही होता आ रहा है। और तो और, तूने तूने ही मुझसे और मम्मी से कहा था ना कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ, लेकिन अगर इतने प्यार से शीरा बनाएगी तो इसी घर में टिक के रह जाएगी और फिर एक दिन इस मोदी भवन का नाम गोपी भवन हो जाएगा। नहीं राशि बहन, वो तो मैं बस ये नहीं कर पा रही हूँ। तू क्या कर पाती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तू बस अब वही करेगी जो मैं तुझसे कह रही हूँ, चुपचाप, समझी? दरवाजे पे खड़ी रहे और हाँ ध्यान से कोई देख ना ले, समझी? अब तेरी सांस आने के पहले यहां से जाओ, जल्दी जा। राशि, शोर कैसा था? जी वो मैं शीरे में डालने के लिए मेवा और इलायची कूट रही थी। गोपी वो कहाँ है? पता नहीं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है, अरे हिला इसको, शीरा बन जाए तो गोपी वो को मेरे कमरे में भेज देना। जी। केसर देना है, ठीक से हिलाना, चल ना जाए। जी। जैसे इसलिए इनके गिरने से गड्ढे पड़ गए। बकवास बंद कर, मेरी आंखें फूट नहीं गई है, सब समझ में आता है मुझे। ये गड्ढे गिरने से हुए हैं या जानबूझकर ठोकने से हुए हैं? सब समझती हूं मैं। गोपी बताओ किसकी हरकत है ये? सच बताओ,
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बहरी हो गई हो क्यों? भैया आपको किससे बुलाया मेरे घर में? गोपी ने। इनके पीहर में पुराने बर्तनों का लेन देन का काम वही करता था। पूछ लीजिए इन्हीं से, इन्होंने बुलाया। गोपी बेधड़क बता दे सच क्या है। बोल गोपी बोल। नए बर्तनों को थोक पीट कर भंगार में बेचने का विचार क्यों आया? जवाब दोगी कि नहीं? बर्तन खिड़ते ही पिचक गए तो मैंने सोचा कि मैं भंगार में दे दूँ। चल मैं तुम्हें बताती हूँ कि भंगार में क्या बेचना चाहिए और क्या नहीं बेचना चाहिए। चल चल मायके का भंगार निकाल। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी कर। अरे वाह, भंगार को तो 7 ताले में बंद करके रखती है और नए बर्तन को भंगार बनाकर घर के बाहर निकालती है। अब तू रहने दे, ये भंगार मैं निकालूंगी। बहुत दर्द हुआ ना, पर तुम्हें तो बहुत शौक है अपने पीहर के भंगार वाले को बुलाकर सासरा लुटाने का। तो अब तू देख कैसे मैं तुम्हारे इस दहेज को भंगार बनाकर फेंकती हूँ। कोकिला मारी बात सांभर। कोकिला ये सब क्या हो रहा है? उन बर्तनों का हाल ऐसे कैसा हो गया? बोल तुझसे कोई गलती हो गई? बोल ना गोपी बोल क्या हुआ? बोल ने दिकरा शू थयू। मम्मी जी बाप को यहाँ से ले जाइए, मैं उससे अकेले में बात करती हूँ, उससे पूछती हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? सारू बेटा। गोपी चल खड़ी हो जा। चल ये ले तेरे भंगार की कीमत। मैंने तो हैरानी खाई थी, गाय जैसी छोकरी ढूंढ कर लाई थी मैंने, लेकिन यहां यहां तो कोई दूसरा ही हाल है। ये गाय जैसी लड़की कभी कभी मुझे गधेड़ी लागे छे। तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि चालाक लोमड़ी मेरे पल्ले बंधी गई है। सब पता चल जाएगा,
सब पता चल जाएगा कि अचानक तुम ऐसी उठपटांग बातें क्यों करने लग गई हो, क्यों ऐसी हरकतें करने लग गई हो। और खास करके आज तुमने ये सब क्यों किया, इसकी वजह का भी मैं पता लगा कर रहूंगी। जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगी, इसी जगह तुम पड़ी रहोगी। तमिलों को मोटा भाभी बा और राशिद, तुम खबरदार, जो किसी ने इसके साथ सहानुभूति दिखाई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।